अनिल कुमार मौजूद हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट द किडनी सेंटर से. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनिल. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब. जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है दमा और छाती के इन्फेक्शंस, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये अस्थमा, ठीक है, जैसे हम दमा आप सुनते हैं कि बहुत सारे लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जी हमें दमा है, तो ये क्या होता है अस्थमा? मैं चाहूँगी कि हमारे सामिन को अगर आप आसान अल्फाज में बताना चाहें. देखिए, अस्थमा या जिसको आप दमा कह रही हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो हमारी सांस की नालियाँ होती हैं, इसके सिकुड़ने की वजह से जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है और जो बाकी अलामत होती हैं सीने से रिलेटेड, जिसमें खांसी का होना, जिसमें सीने की जकड़न और इसके अलावा सीने से सीटियों की आवाज़ बजना, इस तरह की चीज़ें, ये इसके कार्डिनल जो है सिम्टम्स हैं, जिसको हम कहते हैं मेन सिम्टम्स या अलामत. सही. ठीक है. और किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकता है ये, किसी भी एज ग्रुप तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. सही. किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकता है और बेसिकली इसको ट्रिगर चाहिए होता है, कोई ना कोई ट्रिगर, जिस तरह से आपने फरमाया कि इन्वायरमेंट और मौसम की तब्दीली. ठीक है, ये ट्रिगर्स हैं. ठीक है, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की हवा चलती है, कहीं भी ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है. ठीक है, पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है. जहाँ पे आप रह रही हैं, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, कराची जैसा शहर, मेट्रोपोल, यहाँ पे एस्मा बहुत ज़्यादा है. एंड उसका मेन जो रीज़न है, दैट इज़ डस्टी इन्वायरमेंट, दैट इज़ यू नो पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द ऑटोमोबाइल. ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नॉट टू मेंशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं पर्सनली बात करूँ, इनफैक्ट जो भी हमारी फ्रटर्निटी है पल्मोनोलॉजिस्ट की, सब एग्री करेंगे कि कराची में हम कंपैरेटिवली ज़्यादा एस्मा देख रहे हैं. ठीक है, इंटर्न आप अगर इंटीएसएन में तो चले जाएं या किसी देहात में चले जाएं, वहाँ पे भी एस्मा है, नो डाउट. और हमारी जो तहकीक कहती है कि डिफरेंस नहीं है, आप देहात में हैं या शहर में हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जगहों पे इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स, इक्वल प्रेवलेंस हमें मिलती है. लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कराची जैसे शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ह्यूमिडिटी लेवल्स स्पेशली गर्मियों के महीनों में बहुत ज़्यादा होती है, तो एस्मा का ट्रिगर बहुत ज़्यादा मौजूद है. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अनिल. अच्छा, यूजली समटाइम ऐसा होता है कि लोग एलर्जी बहुत आप नाम सुनते हैं कि जी हमें एलर्जी हो गई. बहुत दफ़ा ऐसा होता है, सुबह उठो गर्मी में या सर्दी में बहुत छींकें शुरू हो गई, तो हम फौरन से कहते हैं कि जी एलर्जी हो गई आज. तो क्या एलर्जी और एस्मा में कोई डिफरेंस है या तो उसी की एक टाइप है क्या ये? देखिए, ये उसी की जो है ना एक्सटेंशन आप कह सकते हैं. ठीक है, एलर्जी इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई समबडी हैज़ एस्मा. किसी को अगर एस्मा हो रहा है तो मेनली जो है वो एलर्जी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रिगर हो सकता है कोई ना कोई. और बहुत सारे लोगों को और भी फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर वजन आपका ज्यादा है तो उन पेशेंट्स में भी, उन लोगों में भी एस्मा ज्यादा पाया जाता है. ठीक है, तो यस, एलर्जी इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो कि ट्रिगर करती है एस्मा को. ठीक है, ओके. अच्छा, जब हम एस्मा की बात करते हैं तो आपने कहा कि ये मुख्तलिफ एज ग्रुप में हो सकता है, तो क्या हम इसको मौरूसी बीमारी भी कह सकते हैं कि अगर मेरी नाना नानी दादा या मेरे माँ बाप में है तो मेरे में भी आएगी? पॉसिबिलिटी है, यस, ये पॉसिबिलिटी है. कुछ लोगों में एलर्जी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल. तो यस, अगर किसी फैमिली में एस्मा की हिस्ट्री है और एलर्जी की हिस्ट्री है, तो ये बहुत मुमकिन है कि उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे या उनके जो बच्चे होंगे, उनमें एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं, समझें अगर मैं एग्जांपल दूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या किसी ऐसे माइन में जहाँ पर केमिकल या कोई इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो क्या उन लोगों को भी एस्मा होने का अंदेशा हो सकता है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये बात. क्या एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि उनके घरों में पेट्स वगैरह बहुत हैं? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, जब मैंने ट्रिगर की बात की, तो ट्रिगर कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, सबसे पहली बात आपने जो ऑक्यूपेशन की बात की है, इसका बहुत ही स्पेसिफिक सा नाम है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल एस्मा. ठीक है, ठीक है. और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, ऑल्दो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इस स्पेसिफिक पाकिस्तान रिलेटेड डेटा कम है. हम ज़्यादातर डेटा जो फॉलो करते हैं, जो तहकीक फॉलो करते हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से फॉलो करते हैं.
तो यस, ऑक्यूपेशनल एस्मा एक रियलिटी है, ठीक है. अगेन उसका ट्रीटमेंट इज वेरी सिमिलर टू यू नो नॉर्मल एस्मा पेशेंट्स, लेकिन हाँ ऑक्यूपेशन चेंज करना और ऑक्यूपेशन पे प्रिकॉशंस लेना उनके लिए फिर मस्ट हो जाता है. अच्छा, सो योर सेकंड पार्ट वाज कि लोगों के घरों में पालतू जानवर परिंदे वगैरह. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल. अगर परिंदे हैं तो वो भी एलर्जेंस रिलीज करते हैं अपनी, ट्रिगर ऑब्वियसली एलर्जेंस होते हैं जो कि उनके परों से, ड्रॉपिंग से, फर से, ठीक है. घर में अगर कॉकरोचेस बहुत ज्यादा हैं, डस्ट माइट्स हैं, कारपेट्स हैं, ये सारी चीजें घर के अंदर, ये भी ट्रिगर्स हैं, तो इनको भी रिमूव करना फिर जरूरी हो जाता है. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि बहुत दफा बचपन में अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो या हम बड़ों का, आपने कहा ना किसी एज ग्रुप में भी हो जाता है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूस रहते हैं, खांसी का होना या कुछ इस तरह के और मजीद सिम्टम होते हैं जैसे, तो इसमें हमें कब उस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ें कंटिन्यूस रह रही है तो क्या ये आजमा हो सकता है कि नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ये कब पता चलता है, क्योंकि यूजुअली लोग एस्मा को इतना सीरियस लेते नहीं है जब तक बहुत. अच्छा देखिए, एक तो चीज़ ये है कि मैंने आपको एक कार्डिनल अलामत बताई एस्मा के हवाले से, ठीक है, जिसमें खांसी का होना, जिसमें सांस फूलना, जिसमें सीने से सीटियों की आवाज़ बजना या सीने की जकड़न, ठीक है. अगर इस तरह की सिम्टम्स हो रही हैं, और एक और ज़रूरी बात कि ये आपने कहा कि ये मुस्तकिल हो रही हैं, ठीक है, एस्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये मुस्तकिल नहीं होती, ठीक है, ये कभी होंगी कभी नहीं होंगी, जब ट्रिगर होगा तो होंगी, जब ट्रिगर रिमूव हो जाएगा तो हो सकता है अपने आप भी ठीक हो जाए, ठीक है. लेकिन खांसी होना किसी को भी और बार बार होना ये नॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है. सो इस सिचुएशन में मेरी ये सलाह है, ये मशवरा है कि रादर देन आप सेल्फ मेडिकेट करें, और हमारे यहाँ तो और ज़्यादा रुझान है एंटीबायोटिक्स के ऊपर, ठीक है. मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स बेतहाशा है, हम शायद सबसे ज्यादा मिसयूज़ करते होंगे पूरी दुनिया में, मैं मेरा ये पर्सनली ख्याल है. से तो एनकाउंटर मिल जाता है, और यूजली तो समटाइम ऐसे भी रोग साहब अपनी ग्रोसरी में भी मेडिसिन लेते हैं तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं. बिल्कुल, एक मैं आपको बहुत एग्जांपल शेयर करता हूँ. मैं जहाँ से ग्रोसरी लेता हूँ वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे एक जनाब आए, उन्होंने मेडिकल स्टोर वाले को बताया कि मुझे जो है खांसी हो रही है, गले में दर्द है, नज़ला हो रहा है, तो मुझे क्या लेना चाहिए. अच्छा, वो डॉक्टर के पास तो नहीं गए, उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा आप ये एंटीबायोटिक लें और ये एंटीबायोटिक लें, और आप 7 दिन के बाद मुझे वापस बताइएगा, ठीक है. तो मतलब इस तरह का रुझान बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट कराची में तो है. मैं समझता हूँ कि अगर आप देहात में चले जाएंगे वहाँ पे ये और ज़्यादा है. तो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़, इसको अवॉइड करने के लिए रादर देन आप सेल्फ मेडिकेट करें और मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली जाके दवा लें, मेरा ख्याल है कि आपको बेहतर है कि किसी डॉक्टर के पास जाके और प्रॉपर चेकअप करवा लें. बिल्कुल. और डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि समटाइम मैं अपनी किसी दोस्त से पूछ लूं कि यार मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तुमने लास्ट टाइम कौन सी एंटीबायोटिक खिलाई थी, तो वो बता देगी और मैं जाके खरीद के वो खिला दूंगी, चाहे वो उसके लिए हो के ना हो. हाँ, आई डोंट नो कि डॉक्टर के पास जाने से क्यों इतना लोग घबराते हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एस्मा इज वेरी इजी टू ट्रीट, इट्स वेरी वेरी इजी टू ट्रीट. वंस यू नो कि एस्मा है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है इसको इलाज करना. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इसका इलाज जो यूजली मैंने देखा कि इनहेलर्स लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इनहेलर्स के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस है, मतलब बच्चों में माँ बाप परेशान हो जाते हैं, नहीं भाई स्टीरॉइड्स होंगे, तो मैं चाहूँगी इस पर ज़रा आप सामिन की थोड़ी सी मुश्किलात आसान करें कि ये कितना हेल्पफुल है. ये बहुत ही प्रैक्टिकल आपने सवाल किया, क्योंकि ये सवाल आए दिन हमारे पास क्लिनिक्स में पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट हमसे पूछते हैं कि जी इनहेलर की तो आदत हो जाती है फिर, तो मेरा उनको ये होता है कि जी आप क्योंकि हमारे जो मेरे मेंटोर हैं प्रोफेसर नदीम रिज़वी, उनके एक बहुत अच्छे अल्फाज जो हमेशा मुझे याद रहते हैं, वो कहते थे कि जी आप चश्मा लगाते हैं, तो वो कहते जी बिल्कुल लगाते हैं चश्मा, ठीक है, तो क्या उसकी आदत है या उसकी ज़रूरत है, तो कहते नहीं उसकी तो ज़रूरत है, ठीक है. तो इसी तरह से जब आप एस्मा को ट्रीट कर रहे हैं तो एस्मा का ट्रीटमेंट इनहेलर है, इसमें कोई दोराय नहीं है, तो इसकी ज़रूरत है, इसकी आदत नहीं पड़ने वाली. या तो आप सिम्टम्स को बर्दाश्त करें, ताहया खांसते रहें और सांस आपकी फूलती रहे,
और बहुत एम्बेरसिंग भी होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं आपके सामने खांसना शुरू कर दूँ तो कैसा लगेगा? बिल्कुल, आप शो करें और मैं कहूँगी आपको इतनी खांसी है तो पहले बता दूँ। बिल्कुल, तो डेली रूटीन, एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मेंटेन करने के लिए जो आपको कंडीशन है उसको इलाज लेना तो जरूरी है। सो ट्रू, और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जी सांस लेना तो आपकी जरूरत है, आदत नहीं है। जी बिल्कुल, तो इसके में कोई बीमारी है तो उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अच्छा, इसको बीमारी मैं कहना भी पसंद नहीं करता, इट्स अ कंडीशन, इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो ट्रू, ठीक है, एंड यू हैव टू कंट्रोल इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समझाना लोगों को कि देखिए एस्मा, एलर्जी, जिस तरह से किसी को डायबिटीज है, जिस तरह किसी को हाइपरटेंशन है, इट्स पार्ट ऑफ यू नाउ, ये आपका हिस्सा है, आपके जिस्म का हिस्सा है, इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर योर एंटायर लाइफ। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह से एस्मा या एलर्जी आपके जिस्म का हिस्सा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यस, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें जो माँ बाप जिस चीज़ से डरते हैं, स्टीरॉइड का इस्तेमाल, कि इसमें स्टीरॉइड होते हैं, तो क्या ये वाकई ही इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जिससे आगे जाके कोई परेशानी हो अगर कंटिन्यूस लेते हैं? देखिए, अगर आप इनहेलर्स ले रहे हैं, लेने का तरीका सही है, आपने प्रिकॉशंस लिए हैं, स्पेशली आफ्टर टेकिंग एन इनहेलर, आप प्रॉपरली गागल्स कर रहे हैं और मुंह में जो दवा या गले में जो दवा रह जाती है, रेसिडुअल दवा, उसको आप क्लियर कर रहे हैं, तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया की सबसे सेफ दवा वो दवा है जो कि टारगेटेड इलाज करे, ठीक है। इनहेलर, क्योंकि ये दवा वहीं जा रही है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जो कि हमारे फेफड़े हैं, कहीं और नहीं जा रही, तो इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर है। अनलाइक सिरप्स, अनलाइक टैबलेट्स, अनलाइक इंजेक्शन, जो कि डायरेक्टली खून में जाते हैं, और ऐसी जगहों पे वो दवा डिलीवरी होती है जहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और तभी वहीं से जो है साइड इफेक्ट्स निकलते हैं। सही, तो इनहेलर्स को हर वक्त अपने पास रखना क्या ज़रूरी? क्या हर पेशेंट को डॉक्टर बताते हैं या उसको खुद पता होते हैं अपने ट्रिगर? तो अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए इसमें? ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ के साथ बड़े भी हो रहे होते हैं, तो क्या ये ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है? तो इस पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि एस्मा ख़त्म नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है जिसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। हर इंसान का, हर मरीज़ का जो दवा की रिक्वायरमेंट है, दवा की जो ज़रूरत है, वो अलग अलग होती है, जो कि हमें इनिशियली पता नहीं होती। तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और एक तरीक़ेकार है, ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप ग्रेजुअली ट्रीटमेंट को कम भी कर सकते हैं, जैसे जैसे हमें देखने को मिलता है कि जी सिम्टम्स बहुत कंट्रोल हैं, पेशेंट की लाइफ बड़ी आराम से चल रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, और उसको अपने डेली रूटीन में रात को सोने में कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम दवा को फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम भी करते हैं। और कभी कभार, नॉट ऑलवेज, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि शायद हम दवा बंद करने के भी सिचुएशन में आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है हमारे पास इंडिया से, सवाल है, कहते हैं आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया, और आई एम सीवियर एलर्जिक टू पैथेनियम वीट और गजर घास, आई थिंक ये वर्ड उन्होंने लिखा है। तो एलर्जी सरफेसेस ऑन माय स्किन, बट मेनी पीपल गेट एक्यूट एस्मा ड्यू टू एलर्जिक टू पैरथेनियम, इट इज इन पाकिस्तान आल्सो? कि पाकिस्तान में भी? जी जी बिल्कुल, जो ये बता रहे हैं अपेरेंटली ये एटोपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये हे फीवर, स्किन चेंजेस, स्किन एलर्जी या स्किन इन्फ्लेमेशन, ये होती है ना, आपने ये भी लिखा है, यूनिवर्सल है। सुबह जो है 15 से 20 मिनट मुझे छींके होती है, रनी नोज होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? या अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो है यूजुअली जो हम देते हैं इसमें मसल स्टेबलाइजर्स हम देते हैं, जिसमें थिंग्स लाइक मोंटेलुकास, और इसके अलावा नेजल स्टेरॉइड स्प्रेज, दे वर्क लाइक वंडर्स, ठीक है। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद देम, राइट, आई हैड वेरी सिमिलर सिम्टम्स बैक इन 2018-19, मेरे लिए बहुत टफ होता था इस चीज़ को कंट्रोल करना, और मैं दवाइयाँ नहीं लेना चाहता था, लेकिन नेजल स्टेरॉइड्स, यू नो, दे वर्क लाइक वंडर्स इस तरह के केसेस में, जहाँ पे रिकरेंट राइनाइटिस होता है, पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग, सुबह में आप उठते हैं गला आपका जो है खराब रहता है, या इस तरह की चीजें, इसमें फिर नेजल स्टेरॉइड्स जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो आप डेली बेसिस उसको यूज कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ जब आपको हो? बिल्कुल बिल्कुल, इनिशियली तो आपने डेली बेसिस पे यूज करना है, उसके बाद आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। सही, और बहुत अच्छा सवाल है, यूजली आप एंटी एलर्जी
एंटी एलर्जी तो शायद वो भी हमारी सेल्फ मेडिकेशन की बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारी, क्योंकि वो हमारे पास मौजूद होती है. एंटी एलर्जी का क्या यूज़ है एस्मा में, या मैं बोलूँ कि डिफरेंट एलर्जीज में, तो इसमें एंटी एलर्जी क्या वाकई हेल्प करती है, और ये क्या कंटिन्यूस खानी पड़ती है, क्या होता है इसमें? यस, बाज़ औक़ात देखिए डिपेंड करता है कि किसको किस कितनी ज़्यादा एलर्जी है, कौन कितना ज़्यादा सिम्टमेटिक है. तो जैसे कि मैंने बताया, हर मरीज की जो दवा की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है. ठीक है, तो यस, इनिशियली पॉसिबल है आपको सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए एंटी एलर्जिक्स जो है वो मुस्तकिल देनी पड़े. उसके बाद फिर आप सिम्टम्स को जब कंट्रोल कर लें तो आप उसको कट डाउन भी कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, इनहेलर्स सवाल मैं इस पे शामिल कर रही हूँ, दो तीन इस पे आए हैं आसमा में, फिर मैं चाहूंगी कि चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ भी थोड़ा सा बात करें कि इन दोनों का क्या कनेक्शन है. इनहेलर्स की भी कोई टाइप्स होती हैं, और यूजली इनहेलर्स लेने के तरीके पे कभी कभी प्रॉब्लम आती है मरीजों को. समटाइम मरीज इस उससे भी इनहेलर छोड़ देता है कि यार मुझे इससे कोई आराम नहीं आता. ठीक है, तो इस पर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. अच्छा जी, ये जो इनहेलर्स हैं, इसमें जो दवा है इसको अंदर फेफड़ों में लेके जाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं. ठीक है, जिसमें एक इनहेलर है और इसके अलावा नेबलाइजेशंस भी होती हैं. ठीक है, नेबलाइजेशंस जनरली हम इन हॉस्पिटल इन मतलब ड्यूरिंग एडमिशन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. कभी कभार घर में भी देना पड़ता है जब बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट्स हों जिनको इनहेलर टेक्निक बिल्कुल हम ना सिखा पाएं, तो फिर घर पर भी देना मजबूरी हो जाती है. लेकिन उसकी पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, कि जी आप घर जाएँ, सोल्यूशन बनाएं और आप इस तरह से नेबलाइजेशन करें. एंड We shouldn't forget के बिजली से चलता है इनहेलर, और सॉरी ये नेबलाइजर मशीन, तो बिजली भी होना जरूरी है. सही बात है. ठीक है, मैंने देखा है डॉक्टर साहब आजकल नेबलाइजेशन का बहुत ज्यादा रुझान घरों में, लोगों ने खरीद के रख लिया. जी बिल्कुल, खरीद के रखे हुए हैं इमरजेंसी यूज के लिए. आई थिंक उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल रखने चाहिए. लेकिन आप किसी भी चीज से नेबलाइजेशन कर लें, किसी भी सोल्यूशन से नेबलाइजेशन कर लें, वो लॉन्ग टर्म आपको कंट्रोल नहीं दे सकता, स्पेशली आस्थमा में. तो इस सिचुएशन में इनहेलर्स ही इसका आंसर है. ठीक है, इनहेलर्स दो किस्म के होते हैं बेसिकली. एक होता है मीटर डोज इनहेलर, जो कन्वेंशनल इनहेलर, वो पंप स्टाइल शायद आपने देखे होंगे, जो इनहेलर का नाम लेते हैं तो एक तस्वीर हमारे जहन में आ जाती है. और दूसरे हमारे होते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर. ठीक है, ड्राई पाउडर इनहेलर्स DPI जिसको कहते हैं, जो कि आजकल नया वर्जन है, स्मार्ट तरीका है दवा को डिलीवर करने का, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है. इसमें भी डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस आती हैं. कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑलरेडी दवा होती है, यू जस्ट हैव टू ओपन द लिड, ढक्कन को खोलें और आप इनहेल करें. ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ डिवाइस आपको मिलती है और उसमें फिर आपने कैप्सूल डालना होता है, कैप्सूल को आपने ब्रेक करना होता है और उसके जरिए आपने इनहेल करना होता है. तो दो किस्म के होते हैं, लेने का तरीका दोनों का अलग है. ठीक है, अच्छा इस पे थोड़ी सी मैं बात जरूर करना चाहूंगा, इनहेलर लेने की टेक्निक. ठीक है, इस पे टाइम देने की बहुत जरूरत है. ठीक है, जो भी लोग इनहेलर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मैं बहुत इस बात पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि इनहेलर टेक्निक पे 2 मिनट जरूर दें. इस पे बात बहुत होती है फंक्शंस में, कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बात होती है, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत कम काम होता है. मैंने न्यूमरस ऐसे देखे हैं, आई एम श्योर मेरे जो फिटर्निटी है वो भी इस चीज़ से एग्री करेगी, कि आपके पास जब पेशेंट आता है किसी जनरल प्रैक्टिशनर से, उसको पता ही नहीं होता कैसे इनहेलर लेना है. यकीन माने, रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और वहाँ पे किसी फिजिशियन ने उनको जो है वो इनहेलर दिया, यही पाउडर वाला जो मैंने आपको बताया DPI, और वो मैंने उनको बोला मुझे लेके बताएं, आदत है मेरी, मैं उनको बोलता हूँ लेके बताएं, तो उन्होंने मुझे नाक से लेके दिखाया. ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट. यू हैव टू बिलीव इट, क्योंकि नाक से लेना शुरू कर दिया. मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, सही है. एंड वी हैव हर्ड मेनी सच स्टोरीज. तो इनहेलर टेक्निक पे काम करने का बहुत जो है ना जरूरत है. एंड जब आपको इनहेलर दिया जाता है, तो मैं सिर्फ ये भी बता दूंगा कि YouTube की एक्सेस आजकल हर किसी के पास है, और YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं, अपनी इनहेलर टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. इवन विद द बेस्ट पॉसिबल टेक्निक ऑफ इनहेलर, 20 से 25 या 25 से 30% से ज्यादा दवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाती नहीं है. तो आप इमेजिन करें, अगर टेक्निक अच्छी ना हो
तो कितनी दवा जाएगी। सही बात है। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि जी हम इनहेलर तो ले रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि तो बहुत सारी ऐसी सपोर्टिव चीजें भी आ गई आई थिंक इसके कनेक्टेड इनहेलर के साथ, जो आपको इजीली दवाई जिनको नहीं लेना आता वो इसको इस्तेमाल कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल है। स्पेसर डिवाइसेस होती हैं जो कि हम मीटर डोज इनहेलर के साथ देते हैं, वो बहुत आसान कर देती हैं इनहेलर लेना। लेकिन अब उसकी पोर्टेबिलिटी फिर आप सवाल निशान होती है। आप अगर बाहर जा रहे हैं आपको इनहेलर अपने साथ रखना है तो आपको ये बोतल भी अपने साथ रखनी है स्पेसर। सो इनहेलर टेक्निक पे काम करें आप, बिल्कुल यूट्यूब का जो है बिल्कुल इस्तेमाल करें और अपनी टेक्निक इम्प्रूव करें, बिकॉज इट्स गुड फॉर यू। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपको खुद समझ नहीं भी आता तो सामीन जब आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उस वक्त डॉक्टर से भी आप सीख सकते हैं ये ऐसा में कोई फर्क होता है या। और ये भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बता दीजिए कि बच्चों का आजमा एज के साथ क्या खत्म हो जाता है? अच्छा, खत्म तो आपने इससे कहा कि वो नहीं होता। देखिए पॉसिबिलिटी है, समटाइम्स जब चाइल्डहुड में आजमा स्टार्ट हो तो हो सकता है कि दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, कि हो सकता है कि कम हो जाए, हो सकता है कि बढ़ जाए। ठीक है, इट डिपेंड करता है अगेन ट्रिगर पे, तो ट्रिगर परसिस्टेंट है उस पर वो एक्सपोज्ड है ट्रिगर से तो ये ख़राब भी होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद ट्रिगर रिमूव हो जाए तो बेहतर भी हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ों पे भी लागू होती है बात। ठीक है, हम जब किसी को इनहेलर्स देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं तो हम उनको ये भी हम सारे ट्रिगर्स पूछते हैं उनसे, जो कॉमन ट्रिगर्स हैं आपकी एरिया के हिसाब से सारे ट्रिगर्स पूछते हैं कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इससे तो आप एक्सपोज नहीं है। तो जहाँ पे वो कहते हैं अच्छा जी यहाँ पे है ऐसा, तो हम उनको फिर यही कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने खुद जिक्र किया कि किसी के घर में पेट्स हैं या बर्ड्स हैं या पैरट्स हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ होती है तो फिर हम उनको कहते हैं जी इनको आप निकाल दें, आप घर से निकाल दें इनको, बिल्कुल आप ना रखें घर पे, क्योंकि जब तक ये होंगे आप ट्रीटमेंट से मतलब ट्रीटमेंट आपका खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक सवाल है, क्या स्ट्रेस और एंजाइटी आस्मा को बढ़ा सकता? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस एस्मा इज वन ऑफ द एंटिटीज दैट वी डील विद। सिमिलरली एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली एक्सरसाइज के दौरान जो है वो ट्रिगर होता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एंटिटीज, और उसका भी ट्रीटमेंट वेरी सिमिलर। इनहेलर्स देने होते हैं लेकिन ये है कि पर्टिकुलर टाइम पे देने होते हैं, यानी कोई एक्सरसाइज करने जैसे कि जा रहे हैं तो उससे पहले। स्ट्रेस के हवाले से अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो सबसे पहला काम ये है कि आप अगेन ट्रिगर, यू नो, रिमेंबर द ट्रिगर, ट्रिगर को आप रिमूव करें। यू नीड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोथेरेपी। आप व्हेन यू गेट इट, stress is gone, anxiety is gone, I think asthma will be okay. बिल्कुल, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कंडीशन है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना जी गुस्सा, डिप्रेशन, ये सारी कंडीशंस हैं जिसको हम अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चेस्ट इन्फेक्शन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा होता है कि लोग खुद से भी कह देते हैं कि शायद हमें चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। ये चेस्ट इन्फेक्शन क्या होते हैं, इनकी क्या मेन वजूहात देखी जाती हैं? ठीक है, जब हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, एस्मा में और इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है, पहले तो मैं ये बता दूँ। एस्मा के मैंने बता दिया आपको जी, सांस की नालियों की सोजिश होती है, वो सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से फिर आपको सिम्टम्स होती हैं। अगर हम सांस की नालियों से आगे चले जाएँ, ठीक है, जहाँ पे मेन फेफड़ों के पार्ट्स हैं, जहाँ से सांस हम लेते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन जज़ब होती है ब्लड के अंदर, वहाँ पे अगर कोई जरासीम इन्वेट कर जाए और अटैक कर जाए और वहाँ पे फिर डैमेज हो, तो इसको हम निमोनिया कहते हैं या चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक ठीक है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये किसी भी जरासीम या किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, किसी वायरस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोविड निमोनिया, बदनाम जमाना हो चुका है, तो उसको कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता, उसको भूलना भी नहीं चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए, हमें उसने बहुत कुछ सिखाया है। डिसिप्लिन, मैं हमेशा कहता हूँ डिसिप्लिन सिखाया उसने, जहाँ पे जाहिर सी बात बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन एज अ यू नो मेडिकल प्रोफेशन अपॉर्चुनिटी दिया, हम बहुत इवॉल्व हुए, हम बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए, टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हुई। तो यस, आई थिंक सवाल पे वापस आते हैं, और यस, वायरसेस, बैक्टीरियाज, टीबी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा टीबी है, बहुत प्रेविलेंट है,
नॉट जस्ट इन यू नो रूरल एरियाज बट इवन अर्बन एरियाज टीबी हमारे पास बहुत ज्यादा है. आए दिन हम टीबी के पेशेंट देख रहे होते हैं. फंगल इन्फेक्शन यू नो वो भी हमारे पास हैं लेकिन उसके कुछ कंडीशन हैं. हर किसी में नहीं होती, ये सब हर किसी में नहीं होते. सबसे कॉमनली बहरहाल वायरल होते हैं और मोस्टली निमोनियाज में या चेस्ट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक अगेन लेने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अब किस में लेनी है किस में नहीं लेनी है इसको कौन डिसाइड करेगा, तो वो तो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा. तो अगेन डू नॉट सेल्फ मेडिकेट. बिल्कुल, सो ट्रू. अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो क्या यूजली तो हम ये सुनते हैं कि जी एक ओल्ड एज में जाके निमोनिया होता है, क्या बड़ों और छोटे दोनों के अंदर निमोनिया होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में निमोनियाज होना कोई अनहोनी नहीं है, अनकॉमन नहीं है. अडल्ट्स में या ओल्ड एज में कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब एज ज़्यादा होती है फेफड़े वैसे ही एज के साथ थोड़े से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है तो फिर इन्फेक्शंस ना सिर्फ निमोनियाज कोई भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अच्छा, ये सर्दी और गर्मी के मौसम दोनों में हो सकता है? दोनों में हो सकता है लेकिन कंपैरेटिवली सर्दियों में ज़्यादा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो ना वायरल वायरसेस जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो मैं साथ में थोड़ी सी वैक्सीनेशन की भी बात करना चाहती हूँ. यूजली तो सारे बच्चों की एक इम्यूनाइजेशन होती है लेकिन कहीं ना कहीं एडल्ट इम्यूनाइजेशन की बड़ी अहमियत है जो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा नहीं है. तो क्या चेस्ट इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कोई ऐसी वैक्सीन मौजूद है जो बड़ों को एक उम्र के बाद लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट. अगेन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो हमारे पास निमोकोकल वैक्सीनेशन अवेलेबल है फॉर एडल्ट्स और इस वक्त की रिकमेंडेशन ये है कि हर वो इंसान जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है उसको ज़िंदगी में एक दफ़ा निमोकोकल वैक्सीनेशन ज़रूर लगनी चाहिए. और इसके अलावा हम कहते हैं कि जी ईयरली आप फ्लू वैक्सीन भी लगाएं. ठीक है. अच्छा, एक थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, जब हम कहते हैं फ्लू वैक्सीन तो लोग कहते हैं कि जी जब आप फ्लू वैक्सीन लगाते हैं तो आपको फ्लू नहीं होता और फ्लू कम होता है. ऐसा नहीं है. इट्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हम जिसको फ्लू वैक्सीन कह रहे हैं इट्स इन्फ्लुएंजा, ये भी निमोनिया करवाता है. ठीक है. फ्लू वैक्सीन लगाने से आपको ये जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं, बार बार नज़ला ज़ुकाम होना, सर्दियों में ज़्यादा होना, ये कम नहीं होगा, इसको जहन में रखें. लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा लगने वाला है तो उससे ज़रूर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और फ्लू वैक्सीन ईयरली रेकमेंडेड है. अच्छा, ईयरली. और कौन से सीज़न में हमें लगानी चाहिए, मतलब सर्दियों से पहले? सर्दियों से पहले लगनी होती है. मैं रेकमेंड करता हूँ कि जी सेप्टेम्बर अक्टूबर इज अ गुड, दीज आर गुड मंथ्स जब आपको जो है ना लगानी चाहिए. ओके, बिल्कुल. मतलब यकीनन ये है कि इसमें जब आपको होगा तो शिद्दत कम होगा और गैप्स कम होंगे क्योंकि बहुत लोगों को फ्लू बहुत ज़्यादा भी हो जाता है. जी जी बिल्कुल, इट्स वेरी सिमिलर टू कोविड वैक्सीन. ठीक है. कोविड वैक्सीन जब आई थी और अभी भी है, अभी भी लगती है कोविड वैक्सीनेशन, अगर किसी ने नहीं करवाई तो आई विल स्टिल अर्ज कि जाके करवा लें. उससे ये है कि उन्होंने कभी भी आपको ये प्रॉमिस नहीं किया कि जी कोविड आपको नहीं लगेगा. ठीक है, कोविड लगेगा लेकिन उसकी सिवियरिटी कम होगी. सही बात है. और हमने ये देखा कि इस चीज़ से कि जिन्होंने बूस्टर्स तक लगाए उनको कोविड हुआ लेकिन ऐसे मेजर सिम्टम्स नहीं हुए. और आई थिंक आज भी शायद लोग मेरे शो सुन रहे होंगे और जब मैंने कोविड के दिनों में शो किया तो आई थिंक इस वैक्सीन पे इतने प्रॉब्लम्स थे लोगों को, लेकिन जिन्होंने लगाया वो आज सेफ है. जिन्होंने बहुत अपनी जिद की वो आज प्रॉब्लम में यकीनन है. मैं आपके सामने बैठा हूँ, 3 मरतबा कोविड हुआ था मुझे. अल्लाह मैं आपको सेहत दे. और बिल्कुल नहीं, और मैं कहूँगी कि उस ज़माने में डॉक्टर्स का तो बड़ा अहम रोल. तो डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो वैसे डॉक्टर्स को लगना शुरू हो गई थी वैक्सीन ना? जी जी. तो आपको जब कोविड हुआ तो फिर उसकी शिद्दत कम थी? जी जी बिल्कुल. कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. होम आइसोलेशन बस की थी, एक नॉर्मल फीवर, बॉडी एक इस तरह की चीज़ें, तो माइल्ड सिम्टम्स जैसे आपको किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होती हैं उस तरह की हुई थी. आई वॉज बैक टू वर्क आफ्टर अ वीक. बिल्कुल सही कह रहे हैं. नहीं नहीं जी, वैक्सीन का इस बात पे तो मैं भी दूंगी क्योंकि जब मुझे भी हुआ तो इतने मेजर सिम्टम्स नहीं हुए. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो क्या एस्मा और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है. अगेन इन्फेक्शन इज वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर एस्मा. ठीक है. और ज़्यादा शदीद हो सकता है एस्मा, जिसको हम कहते हैं ना कि आम जबान में एस्मा का अटैक हो गया इनको. ठीक है. तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है ना ज़्यादातर इन्फेक्शन के साथ हमें देखने को मिलती है. ठीक है. और हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है सिचुएशन में. ठीक है.
तो यानी इन्फेक्शन जो एस्मा पेशेंट है यूजली उसको अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए. उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन अपनी पूरी रखें. बिल्कुल. आखिर में प्रिवेंशन तो ये बात करेंगे क्योंकि जब हम कोविड की बात करते हैं तो उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी और सीखी भी जो हमें चेस्ट इन्फेक्शन से बचा सकती हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहती हूँ उन मरीजों की. वैसे मैं उसको मरीज ही कहती हूँ जो स्मोकिंग करने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़र में इतने शोज करने का मुझे ऐसा लगता है जो सिगरेट पीता है ना वो मरीज ही है, ठीक है. तो मैंने उसको सिगरेट पीने वाले को मरीज ही बोलती हूँ मैं. तो आप क्या समझते हैं कि जो स्मोकिंग करता है तो उसको चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं. ठीक है, हर इंसान में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि विद टाइम विद एज लंग फंक्शंस जो हैं हमारे कम होते हैं नेचुरल एजिंग की वजह से. जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनके लंग फंक्शंस कंपैरेटिवली फास्टर डिक्लाइन करते हैं, ज्यादा जल्दी कम होते हैं, उनके लंग फंक्शंस खराब होते हैं. तो जब लंग फंक्शन खराब होंगे तो नेचुरली यू आर प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्शंस. और उनमें भी अगेन ये वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है. सही. एक सवाल है, सीओपीडी क्या होता है, क्या ये भी कोई इन्फेक्शन है? जी नहीं, सीओपीडी इन्फेक्शन नहीं है. इनफैक्ट सीओपीडी और एस्मा हमेशा कंफ्यूज किए जाते हैं एक दूसरे से. बेसिकली सांस की बीमारी ही है और इसमें भी इसी तरह से बलगम का ज़्यादा होना और सांस की नालियों की सोजिश होना इसी तरह से होता है. लेकिन उसका ट्रिगर जो है मेनली स्मोकिंग होता है और इसमें सिम्टम्स जो हैं वो कंटिन्यूस रहती हैं. ये ऐसा नहीं होता कि जी हुई और ठीक हो गई. एक दफ़ा जब किसी को सीओपीडी होना शुरू हुआ, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो उसकी सिम्टम्स मुस्तकिल रहने वाली हैं और ख़राब से ख़राब तर होने वाली हैं. ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह सांस लेने में दुश्वारी, मेनली सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और उसके साथ बलगम आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है.